असम के जोरहट से कोलकाता जा रहा इंडिगो का विमान रनवे से फिसल गया। विमान रनवे से उतरकर मैदान में चला गया और उसके पहिए कीचड़ में फंस गए। विमान में सवार 90 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि ये घटना गुरुवार दोपहर 2:20 की है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट 6E757 रनवे से फिसली थी। इसके चलते पहले इसे डिले किया गया और फिर 8:15 पर फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इंडिगो प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से कोलकाता भेजा गया था। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के अधिकारियों ने माना है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें AAI और इंडिगो इस घटना की जांच करेंगे। इसके साथ गुरुवार को ही मुंबई से गुजरात जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान की वापस मुंबई में लैंडिंग कराई गई थी। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। पिछले 40 दिन में स्पाइस जेट के विमान में उड़ान के बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस लैंडिंग कराने का यह 9वां मामला था। DGCA के अधिकारी ने कहा है कि इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं एक दिन पहले ही नागरिक उड़ान महानिदेशालय यानी कि DGCA ने स्पाइस जेट के 50% उड़ान पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी थी। इस दौरान DGCA स्पाइस जेट की उड़ान पर खास निगरानी करेगा। वहीं स्पाइस जेट ने कहा है कि DGCA के आदेश से उड़ान परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑफ सीजन होने से उड़ानों की संख्या पहले ही कम की जा रही है। वहीं हाल ही में सरकार ने भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि DGCA ने स्पाइस जेट के विमान की स्पॉट चेकिंग की थी। नागरिकी उड़ान राज्य मंत्री VK सिंह ने बताया कि DGCA ने 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच 40 से ज्यादा स्पाइस जेट विमानों पर 53 स्पॉट चेक किए गए हैं। इनमें से कोई भी बड़ा सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।